कौरव और पांडवों का युद्ध तथा उसका परिणाम। अग्निदेव कहते हैं, युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ये आत्मा ही परम ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले, शास्त्र धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वो युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वो युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत होता था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर के हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाकर वसु देवता के कहने पर वसुलोक में जाने की तैयारी की और बाण शैया पर सो रहे। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के बाण शैया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में दृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में महाभयंकर युद्ध हुआ जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त दुर्योधन की विशाल वाहिनी दृष्टद्युम्न के हाथ से मारी जाने लगी। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने में ही उनके कानों में ये आवाज आई, अश्वस्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ऐसे समय में दृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। द्रोण बड़े ही दुर्धर्ष थे। वे संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करके 5वें दिन मारे गए। दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। उस समय कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मार काट से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला, किंतु दूसरे दिन अर्जुन ने उसे मार गिराया। तदनंतर राजा शैल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार गिराया। दुर्योधन की प्रायः सारी सेना युद्ध में मारी गई थी। अंततो गत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन को भीमसेन ने मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गए थे। महाभारत संग्राम के उस 18वें दिन रात्रि काल में महाबली अश्वस्थामा ने पांडवों की सोई हुई एक अक्षौणी सेना को सदा के लिए सुला दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके 5 देशीय बंधुओं तथा दृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने बिलखने लगी। तब अर्जुन ने सिंह के अस्त्र से अश्वस्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। उसे मारा जाता देख द्रौपदी ने ही अनुनय विनय करके उसके प्राण बचाए। इतने पर भी दुष्ट अश्वस्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पर अस्त्र का प्रयोग किया। वो गर्भ उसके अस्त्र से प्रायः दग्ध हो गया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको पुनः जीवन दान दिया। उत्तरा का वो गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वस्थामा ये 3 वीर कौरव पक्षीय वीर उस संग्राम से जीवित बचे। दूसरी ओर 5 पांडव, सात्यकी तथा भगवान श्री कृष्ण ये 7 ही जीवित रह सके, दूसरे कोई नहीं बचे। उस समय सब ओर अनाथा स्त्रियों का आर्तनाद व्याप्त हो रहा था।
भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी तथा रणभूमि में मारे गए। सभी वीरों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दे धन आदि का दान किया। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में शरशैया पर आसीन शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शांतिदायक धर्म, राजधर्म, आप धर्म, मोक्ष धर्म तथा दान धर्म की बातें सुनी। फिर वे राज सिंहासन पर आसीन हुए। इसके बाद उन शत्रु मर्दन राजा ने अश्वमेघ यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत धन दान किया। तदनंतर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से मुसलकांड के कारण प्राप्त हुए शाप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान कर स्वर्गलोक को चले गए। यदुकुल का संहार और पांडवों का स्वर्ग गमन। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए तब धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो वन में चले गए अथवा ऋषियों के एक आश्रम से दूसरे आश्रमों में होते हुए वे वन को गए। उनके साथ देवी गांधारी और प्रथा कुंती भी थी। विदुर जी दावानल से दग्ध हो स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना की तथा अधर्म का नाश करने के लिए पांडवों को निमित्त बनाकर दानव दैत्य आदि का संहार किया। तत्पश्चात भूमि का भार बढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्राह्मणों के शाप के बहाने मूसल के द्वारा संहार कर डाला। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। तदनंतर देवताओं के अनुरोध से प्रभास क्षेत्र में श्री हरि स्वयं ही स्थूल शरीर की लीला का संवरण करके अपने धाम को पधारे। वे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। बलभद्र जी शेषनाग के स्वरूप थे, अतः उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी भगवान श्रीहरि ध्यानी पुरुषों के ध्येय हैं। उनके अंतर्धान हो जाने पर समुद्र ने उनके निजी निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारकापुरी को अपने जल में डुबो दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दी और धन आदि का दान किया। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, जो पहले अप्सराएं थीं और अष्टावक्र के शाप से मानवीय रूप में प्रकट हुई थीं, लेकर हस्तिनापुर को चले। मार्ग में डंडे लिए हुए ग्वालों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सबको छीन लिया। ये भी अष्टावक्र के शाप से ही संभव हुआ था। इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यास के सांत्वना देने पर उन्हें यह निश्चय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने से ही मुझ में बल था। हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजावर्ग का पालन करते थे, ये सब समाचार निवेदन किया। वे बोले, भैया, वही धनुष हैं, वही बाण हैं, वही रथ हैं और वही घोड़े हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे अक्षोत्रियों को दिया हुआ दान। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य पर परीक्षित को स्थापित कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान राजा संसार की अनियतता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। मार्ग में वे श्रीहरि के अष्टोत्तर शत नामों का जप करते हुए यात्रा करते थे। उस महापथ में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोक मग्न हो गए। तदनंतर वे इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर आरूढ़ हो दिव्य रूपधारी भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। तदनंतर उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। ये मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाया। जो इसका पाठ करेगा वो स्वर्गलोक में सम्मानित होगा।